जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 13 अक्टूबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व प्राकृति दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे अक्टूबर के अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में राफेल नडाल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है, यह किस देश के खिलाड़ी हैं? राफेल नडाल का संबंध टेनिस से है और यह किस देश के हैं? तो स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। दोस्तों अब देखो, स्पेन के खिलाड़ी है और मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनियास्ता ने संन्यास लेने की घोषणा। क्या नाम दोस्तों इनका? तो आंद्रेस इनियस्ता ने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है और ये भी स्पेन के हैं। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज और यहाँ की करेंसी है यूरो। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बुल्स फाइटर अर्थात सांड युद्ध है स्पेन का राष्ट्रीय खेल। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? फुटबॉल जो है ये दो देश का राष्ट्रीय खेल है, दोनों का नाम आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैमूर को किस राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में कैमूर को मंजूरी दी गई है और बिहार का पहला टाइगर रिजर्व का नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिम चंपारण में है और कैमूर बिहार में एक जिला भी दोस्तों है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो है वो 38 जिले दोस्तों हैं और कैमूर जो है वो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 44वीं कोडेक्स पोषण समिति की बैठक कहाँ आयोजित होगी? 44वीं कोडेक्स पोषण समिति की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो जर्मनी में आयोजित की जाएगी और जर्मनी में कहाँ पर? तो ड्रेसडेन में आयोजित किया जाएगा, जर्मनी के ड्रेसडेन में 44वीं कोडेक्स पोषण समिति का आयोजन किया जाएगा मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर। और जर्मनी के चांसलर कौन है? तो ओलाफ स्कोच हैं जर्मनी के चांसलर, याद रखना। जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? तो क्या बोलोगे आप? फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर। और यहाँ के चांसलर कौन है? तो ओलाफ स्कोच हैं जर्मनी के चांसलर मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो हुआ है ये सिक्किम में हुआ है। सिक्किम में कहाँ पर? तो सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक में हुआ है दोस्तों। अब सिक्किम, तो देखो सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। देखो दोस्तों सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को और सिक्किम जो है ये भारत का 22वां राज्य है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, सिक्किम की स्थापना कब हुई? 16 मई 1975 को और सिक्किम जो है ये भारत का 22वां राज्य है। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। सिक्किम की जनजाति है लेपचा एवं भुटिया और सिक्किम को बोलते हैं पर्यटकों का स्वर्ग। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा सिक्किम में है। देखो दोस्तों सिक्किम जो था ये पहले एक देश था जहां पर चोंगयाल वंश का शासन हुआ करता था और इसे 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सहराज्य बनाया गया। दोस्तों कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि सिक्किम भारत का सहराज्य
किस संविधान संशोधन के द्वारा बना? तो बच्चे क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट टिक मार देते हैं कि 36वां संविधान संशोधन। दोस्तों 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना था, सहराज्य नहीं बना था। सहराज्य 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा बना। और पूर्ण राज्य कब बना सिक्किम? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। मेमन वन्य जीव अभ्यारण्य सिक्किम में है, पंगलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में है। सिक्किम की सीमा दोस्तों कौन कौन से देश से लगती है? तो सिक्किम दोस्तों ये रेड कलर में आपको दिख रहा होगा छोटा सा, यही सिक्किम है जो यहाँ पे दिखाया गया आपको है। सिक्किम के ऊपर में चाइना है, इस साइड में भूटान है, नीचे में दोस्तों कौन है? तो पश्चिम बंगाल है, और इधर यहाँ पर दोस्तों नेपाल कर लेना, सिक्किम में यहाँ पर नेपाल है दोस्तों। तो याद रखना सिक्किम की सीमा नेपाल, चाइना, भूटान और पश्चिम बंगाल से लगती है, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में मेरे प्यारे लाल एवं लालियो प्रथम स्थान पर है चाइना, दूसरे स्थान पर है संयुक्त अरब अमीरात और तीसरे स्थान पर है कुवैत। दोस्तों कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। दोस्तों अब यहां से प्रश्न ये बनता है कि भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 2024 में 105वें स्थान पर है, और 2023 में भारत का स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें स्थान पर था। अच्छा चाइना दोस्तों प्रथम स्थान पर है, तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है शी जिनपिंग। और चाइना की करेंसी क्या है? तो रेनमिनबी है चाइना की करेंसी। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित होता है। अब देखो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, और भारत का स्थान 116 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, और भारत का स्थान 129 है। यात्रा एवं पर्यटन विकास इंडेक्स 2024 में अमेरिका है प्रथम स्थान पर, और भारत का स्थान 39 है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस है प्रथम स्थान पर, और भारत का स्थान 82 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में चीन है प्रथम स्थान पर, और भारत का स्थान 105 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, और भारत का स्थान 159 है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में फिनलैंड है प्रथम स्थान पर, और भारत का स्थान 126 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में अमेरिका है प्रथम स्थान पर, और भारत का स्थान 4 है। दोस्तों वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में अमेरिका है प्रथम स्थान पर, और भारत का स्थान क्या है? तो 42। दोस्तों ये मैंने प्रमुख आपको इंडेक्स बताए 2024 की, जो आपकी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो जरा दोस्तों आप बता दो कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो दोस्तों सनथ जयसूर्या को श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। अच्छा मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, मैं तो आपको प्रत्येक दिन क्रिकेट के बारे में बताता ही हूँ, जरा आज आप बता दो क्रिकेट के बारे में। बस आपको ये बताना है क्रिकेट के महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी के बारे में। अब देखो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनमपुरम कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? अनुराग कुमार दिशा नायके। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हरिणी अमरसूरिया है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर मेरे दोस्तों। दोस्तों मैं आपको वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न भी करूंगा, जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों जरा सा हम नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यह दोस्तों एग्जाम का फेवरेट प्रश्न होने वाला है आपके प्रतियोगिता परीक्षा में, किसी भी एग्जाम का दोस्तों। तो नोबेल पुरस्कार शांति के बारे में जानते हैं, नोबेल पुरस्कार 2024 शांति का किसे दिया गया? तो इस संगठन को दिया गया, उस संगठन का नाम है निहोन हिकायोडो संगठन। क्या नाम है? निहोन हिडाकायो संगठन, जो जापान का संगठन है, इसे दिया गया है शांति का नोबेल 2024। फिर से मैं निहोन हिकाडायो संगठन, दोस्तों क्या नाम है? निहोन हिकाडायो संगठन को दिया गया है 2024 का शांति का नोबेल। दोस्तों अभी घोषणा किया गया है, मिलेगा दोस्तों कब? तो दिसंबर में मिलेगा, 10 दिसंबर को। अब 10 दिसंबर को ही क्यों मिलेगा दोस्तों? इसलिए मिलेगा क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि दोस्तों 10 दिसंबर को ही होती है, और घोषणा होता है इसका अक्टूबर में। देखो दोस्तों क्यों दिया गया है निहोन हिकाडायो संगठन को? तो परमाणु हथियार से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के अपने प्रयास और गवाहों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए कि
करने के लिए इन्हें शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल न किया जाए, इसी का यह उद्देश्य दोस्तों है। क्योंकि आपको पता है कि पहली बार परमाणु बम का प्रयोग जो किया गया था जापान में ही किया गया था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया दोस्तों था, जो दोस्तों बहुत ही बुरा हुआ था। इसमें उसी के बाद इसका प्रयास ये रहा कि अब कभी भी किसी पे भी परमाणु बम का प्रयोग न किया जाए, निहोन हिकरायो संगठन का। इसीलिए निहोन हिकरायो संगठन को 2024 का शांति का नोबेल दिया गया है। देखो दोस्तों, मैं कई बार आपको बताया हूँ कि शांति का नोबेल दोस्तों ये नॉर्वे देता है। शांति का नोबेल नॉर्वेजियन नोबेल समिति देती है, और ये मिलेगा कहाँ पे, तो ओस्लो में मिलेगा। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो निहोन हिकरायो संगठन है दोस्तों, मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, तो दोस्तों ये आपको भी याद हो गया होगा। क्या नाम है इसका? निहोन हिकरायो संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 10 अगस्त 1956 को हुई थी। और मेरे प्यारे दोस्तों देखो, और शांति का नोबेल देता कौन है? नॉर्वे देता है। देखो शांति 2023 से दोस्तों किसे दिया गया? शांति का नोबेल 2023 किसे दिया गया? तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, जो ईरान के हैं। कहाँ के हैं? नरगिस मोहम्मदी दोस्तों ईरान की है, इसे दिया गया था शांति का नोबेल 2023। और कैलाश सत्यार्थी जो भारतीय मूल के हैं, इन्हें 2014 में दिया गया था शांति का नोबेल। और मदर टेरेसा को दोस्तों 1979 में दिया गया था दोस्तों नोबेल पुरस्कार शांति में, याद रखना। मदर टेरेसा भारतीय मूल की नागरिक हैं, इसे दिया गया था 1979 में। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अब देखो साहित्य का जान लेते हैं, लिटरेचर इसको बोलते हैं। साहित्य का जो नोबेल दिया गया, ये दिया गया है हान कांग को, जो दक्षिण कोरिया की है, इसे 2024 का दिया जाएगा। और दोस्तों इनकी पुस्तक के बारे में जाने, इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है जिनका नाम है द वेजिटेरियन, द व्हाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स और ग्रीन लेसेंस। ये पुस्तक इनकी है दोस्तों। किनकी पुस्तक है? हान कांग। पूछेगा दोस्तों कि द वेजिटेरियन पुस्तक के लेखक कौन है, तो हान कांग है। और पूछेगा द व्हाइट बुक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हान कांग। ह्यूमन एक्ट्स के लेखक कौन है? हान कांग। और ग्रीक लेसेंस के लेखक कौन है, तो हान कांग है दोस्तों। इनकी ये महत्वपूर्ण पुस्तक जरूर आप याद रखना। तो दोस्तों शांति का नोबेल 2024 किसे दिया जाएगा? हान कांग को दिया जाएगा। कहाँ की हान कांग है? तो कांग है कोरिया की, दक्षिण कोरिया की दोस्तों है। अब देखो साहित्य 2023 का नोबेल किसे दिया गया था? जॉन फॉरेस को दिया गया, जॉन फॉसे को दिया गया था। जॉन फॉसे कहाँ के थे? नॉर्वे के थे, नॉर्वेजियन लेखक थे, जिन्हें शांति का नोबेल 2023 दिया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो दोस्तों मदर टेरेसा को भी भारत रत्न दिया गया है। मदर टेरेसा को दोस्तों नोबेल पुरस्कार तो दिया ही गया था, लेकिन भारत रत्न भी दिया गया था। तो आप बताओ कि नोबेल दोस्तों मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? इसका जवाब आप दे दो कमेंट बॉक्स में कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था। और अगर कोई पूछे आपसे कि मदर टेरेसा को दोस्तों नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, शांति के क्षेत्र में दिया गया, कब दिया गया था, तो मैंने बताया ना आपको कि 1979 में दिया गया था, मेरे प्यारे दोस्तों। अब दोस्तों देखो, हम जानेंगे अब रसायन केमिस्ट्री के बारे में दोस्तों, कि केमिस्ट्री का 2024 का नोबेल किसे दिया जाएगा? तो डेविड बेकर को दिया जाएगा, जो अमेरिका के हैं दोस्तों। डेमिस हसबिस को दिया जाएगा, जो इंग्लैंड के हैं। और जॉन एस जेम्पर को दिया जाएगा, ये भी इंग्लैंड के हैं। देखो दोस्तों, डेविड वॉकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा दोस्तों? तो डेविड वेकर को प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया जाएगा, और डेमिस हसबिस को और जॉन एम जेम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी में सफलता के लिए दिया जाएगा। अच्छा, अगर पूछ दिया आपसे एग्जाम में कि रसायन का नोबेल 2023 किसे दिया गया, तो याद रखना XCI एकीमोत को दिया गया, जो अमेरिका की थी के थे। और लुइस ई ब्रूस को दिया गया, ये भी अमेरिका के थे। और मौगी जी बाबेडी, ये भी अमेरिका के थे, इनको दिया गया था 2023 का नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया गया था। और 24 का किसे दिया जाएगा? तो डेविड वेकर को दिया जाएगा, डेमिस हस्पिस को दिया जाएगा, और जॉन एम जम्पर को दिया जाएगा, मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब देखो भौतिक का जान लेते हैं। भौतिक का 2024 का किसे दिया जाएगा? तो जॉन ए हॉपफील्ड को दिया जाएगा, जो अमेरिका के हैं। और जेफरी ई हिंटन को दिया जाएगा, जो ब्रिटिश कनाडाई नागरिक हैं। इनको क्यों दिया जाएगा? तो आधारभूत खोजों और आविष्कार के लिए, जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीनी लर्निंग में सक्षम बनाते हैं, इनके लिए नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स के क्षेत्र में 2024 वाला किनको दिया जाएगा? तो जॉन जे हॉपफील्ड को दिया जाएगा, और जेफरी ई हिंटन को दिया जाएगा। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, 2023 का फिजिक्स का नोबेल किसे दिया गया था? तो पियर ए एगोस्टनी को दिया गया, अमेरिका के थे। फेरेस क्राउच को दिया गया, जर्मनी के थे। और एनी एल
उलियट को दिया गया था जो स्वीडन के थे मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मेडिसिन के क्षेत्र में अर्थात फिजियोलॉजी में किसे दिया जाएगा 2024 का नोबेल, तो विक्टर एम्ब्रोस को जो अमेरिका के हैं और गैरी रूबकुन को, ये भी अमेरिका के हैं, इन दोनों को दिया जाएगा मेडिसिन के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार। और 23 वाला किसे दिया गया, तो कैटालिन कारिको को दिया गया जो हंगेरियन अमेरिकी बायोकेमिस्ट थे, और डू बीसमैन को दिया गया जो अमेरिका के थे मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अच्छा दोस्तों, चार व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो कौन कौन है, तो मैडम क्यूरी है, लेनिन पॉनिंग है, जॉन वॉर्डिन है और फ्रेडरिक सेंगर है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो आप टिक मार लोगे। मैडम क्यूरी को पहली बार कर दिया गया तो 1903 में दिया गया था। मैडम क्यूरी को पहली बार रेडियो सक्रियता के लिए भौतिक के क्षेत्र में 1903 में दिया गया। शुद्ध रेडियम रसायन के लिए निष्कर्षण के लिए 1911 में इन्हें दिया गया था। और लीन पाउलिंग को हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत के लिए 1954 में दिया गया था रसायन के क्षेत्र में। और नाभिकीय परीक्षण निषेध एक्टिविटी के लिए 1962 में शांति में दिया गया था लीन पाउलिंग को नोबेल पुरस्कार। अच्छा, जॉन बॉडिन को ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए 1965 में बहुत 1956 में तो सॉरी दोस्तों देखो जॉन बॉडिन को 1956 में दिया गया था ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और फिर 1972 में दिया गया इन्हें अतिचालकता के सिद्धांत के लिए भौतिक के क्षेत्र में। फ्रेडरिक सेंगर को इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए 1958 में दिया गया। और वायरस न्यूक्लियोटाइड के सिक्वेंसिंग के लिए 1980 में रसायन का नोबेल फ्रेडरिक सेंगर को दिया गया। अच्छा, सबसे कम उम्र में पुरुष कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो लॉरेंस ब्रैंग थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, भौतिक के क्षेत्र में 25 वर्ष में इनको दिया गया था। और सबसे कम उम्र महिला थी 17 वर्ष की, मलाला यूसुफ जई जो पाकिस्तान की थी, शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। अगर मैं पूछूं कि किसे सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया तो आप क्या बोलोगे, मलाला यूसुफ जई बोलोगे। अगर मैं महिला और पुरुष क्लियर करूं या एग्जाम में महिला और पुरुष क्लियर रहे तो दोस्तों आप क्लियर करना कि मलाला यूसुफ जई को महिला में दोस्तों कम उम्र में दिया गया था, और पुरुष में लॉरेंस ब्रैंग को दिया गया सबसे कम उम्र में। और सबसे अधिक उम्र में दोस्तों किसे दिया गया, तो जॉन गुडनफ को दिया गया जो अमेरिका के थे, 97 वर्ष के थे, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में 2019 में दिया गया। रेड क्रॉस को शांति का नोबेल दिया गया 3 बार, पहली बार दिया गया 1917 में, दूसरी बार दिया गया 1944 में, और तीसरी बार दिया गया 1963 में दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इस बार जापान के किस संगठन को दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में, जरा ये आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता दो। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है। और किसकी स्मृति में मिलता है, तो स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे, स्वीडन के थे। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में मिलता है, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, उस समय नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र में ही मिलता था, और 1969 में दोस्तों अर्थशास्त्र भी जोड़ दिया गया, तो अब नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में मिलता है। अर्थशास्त्र को नोबेल स्मृति पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। यह पुरस्कार एक क्षेत्र में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। और शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में मिलता है, कहाँ मिलता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है, जबकि बाकी सभी पुरस्कार जो मिलता है वो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में मिलता है। 2 बार अब तक 2 बार मृत व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक थे एक्सेल कार्ल फोल्डर, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1931 में दिया गया था, और दूसरे थे डैग हैमरसोल्ड को शांति के क्षेत्र में 1961 में दिया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, और देखो याद रखना, 1974 में यह नियम बना दिया गया कि अब किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अगर दोस्तों मान लो कि अभी किसी व्यक्ति के बारे में घोषणा कर देते हैं कि इसको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो उसे नोबेल पुरस्कार दोस्तों नहीं मिलेगा, उसी को मिलेगा जो जीवित है, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। और यह नियम कब से लगा दिया गया, तो 1974 से बना दोस्तों यह नियम बना दिया गया कि अब जो नोबेल पुरस्कार मिलेगा वो मृत व्यक्ति को नहीं मिलेगा। अब अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों, इन्हीं की याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को, कहाँ हुआ था, तो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई 10 दिसंबर 1896 को हुई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था, 21 अक्टूबर 1833 को। अगर मैंने 1900 बोल दिया, सॉरी दोस्तों,
कभी कभी गलती से बोल देता हूं मैं, तो याद रखना। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। दोस्तों कहाँ हुआ था? स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। मृत्यु कब हुई? 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हुई। और इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था, कब किया था? तो 1867 में ही इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों जब नोबेल पुरस्कार सभी क्षेत्र में दे दिए जाएंगे तो नोबेल पुरस्कार एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके दोस्तों, वो भी एमसीक्यू के साथ बनाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? 2008 में सम्मानित किया गया। बिहार के किस जिले में आधुनिक बिहार लैब की स्थापना हुई? गया में। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो हान कांगो को दिया गया। दोस्तों आज का आपका 3 प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, ये मैंने तुरंत आपको बताया, बता दो कमेंट बॉक्स में। सबसे कम उम्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? और विश्व शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? इस तीनों प्रश्न का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जी की जानकारी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।